और लुक्स सच में बहुत इसके डिसेंट देखने को मिलेंगे आपको। फ्यूचरिस्टिक बाइक बन चुकी है, अब इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब एकदम यार बढ़िया होंगे। सो गाइस, फाइनली ये कंपैरिजन वीडियो आ चुका है। आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो होना चाहिए ऑन यूट्यूब में भी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्विक कंपैरिजन बिटवीन ओल्ड मॉडल एंड न्यू मॉडल NS 200। सो जल्दी से एक बार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा कंपैरिजन बताऊंगा कि एक्चुअल में कंपनी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं और अब आपको पुरानी वाली NS से नई वाली NS में क्या क्या नया देखने को मिलता है। प्राइस की भी हम इसमें बात कर लेंगे। सो जल्दी से कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट। सो फाइनली गाइस, देयर यू गो। यहाँ पर आपको वो पुराने वाली NS देखने को मिलती है और ये वाली नई वाली जो NS अभी आई है, ठीक है। एक क्विक सा कंपैरिजन करेंगे, कोई ज़्यादा इसमें लंबी वीडियो में बनाऊंगा नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी आपको लेनी चाहिए, बिकॉज अभी वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा और ये वाला अभी कंटिन्यू रहेगा। ये तो बिकेगा ही बिकेगा यार, बट वो अभी डिसकंटिन्यू नहीं होने वाला। अब काफ़ी लोगों की ना यार डिमांड अलग अलग है। बेसिकली मैं आपको बताऊं कि अब चेंजेस तो हो गए जो कि नेसेसरी भी थे और इसको चेंजेस चाहिए भी थे, बट कुछ लोग जो अभी भी ऐसे हैं उनको ना यार वो पुराने वाला जो उसका मीटर था ना, मीटर कंसोल, वो ज़्यादा पसंद आता था एज़ कम्पेयर टू न्यू वन। बट फिर भी आपको पूरा कंपेरिजन दिखाऊंगा कि इन दोनों में कितना चेंजेस आपको देखने को मिलता है और प्राइस में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यार देखो, स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट से ही। जो इसका पूरा हेडलैम्प है ना सामने, आप देखोगे पूरा चेंज हो चुका है भाई। DRL अब इसके अंदर आ चुके हैं और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आप देख ही सकते हो कि पूरा LED सेटअप आपको देखने को मिलता है और ये जो DRL का सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, दिस लुक्स रियली नाइस। और मैं पुरानी वाली की बात करूँ तो पुरानी वाली में वही आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलता था। विजिबिलिटी इसकी भी अच्छी है नो डाउट, बट फिर भी अब नए वाले की विजिबिलिटी आप देखो और इसके लुक्स चेक करो, आप खुद ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ को आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली। और अब आपको इसके अंदर LED इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं, चारों आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे जो आपको RS में देखने को मिलते हैं। वही अब NS में भी आपको कस्टमाइज़ कराने की अलग से ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ही आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिलेंगे। और मैं पुराने वाले की बात करूँ तो पुराने वाले में वही आपको हेलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिलते थे। और यार ये ना मस्ट था चेंज, मतलब इतने दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि बजाज कब चेंज करेगा, कर ही नहीं रहा था यार। अब धीरे धीरे आप लोगों ने इतना बोला और नई नई बाइक्स इतनी अपडेट हो गया आ रही हैं, तो बजाज ने थोड़ी बहुत तो सुनी है एटलीस्ट, बट जितनी भी सुनी ठीक है, कोई बात नहीं, चेंज हो जाएगा यार। मैंने इसका पूरा रिव्यू डाल रखा है, आप वो पहले रिव्यू चेक कर लेना, उसके बाद ये कंपेरिजन वीडियो मैं लेके आया ताकि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और एकदम क्लियर पता चल जाए कि लेनी कौन सी है बेसिकली, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, LED लाइट पूरा सेटअप देखने को मिलेगा, LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि इसमें आपको नहीं देखने को मिलते। लुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सामने से ऐसी देखने को मिलती है और ये थोड़ी सी आपको ऐसे देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा जो मेजर चेंज है, अब आपको ये जो इसका वाइजर है ये थोड़ा लॉन्ग देखने को मिलता है, यहाँ से आप देखोगे ये पूरा आपको लंबा देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये शॉर्ट है, तो इसका जो फ्रंट का जो मैं बात करूँ उसका वाइजर है, उसमें भी कंपनी ने थोड़ा बहुत चेंज किया है। वो चेंज जो है वो देखने लायक है और आपको डेफिनेटली ये फील भी होने वाला है जब आपको इसको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। आप किसी भी शोरूम में जाके विजिट कर सकते हो जहाँ पर ये आ चुकी है। बाकी मैं आपको पूरी शोरूम की डिटेल्स वगैरह GSM की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, वहाँ पर आके आप चेक करो। कोई भी भाई गुड़गांव में रहता है तो यहाँ पर सीधा आ सकता है और बाइक अपने सामने खुद भी कंपेयर करके देख सकता है। बाकी मेरा काम तो है आप लोगों को अच्छे से सजेस्ट करना। मैं फ्रंट टायर की बात करूँ, बिल्कुल आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ABS की बैजिंग आपको देखने को मिलती है, टायर आपको सेम ही साइज़ देखने को मिलेंगे। एक शिकायत थोड़ी सी और रहेगी कि यार जो उसका बैक वाला टायर है वो 140 सेक्शन का हो जाता तो और भी बढ़िया हो जाता, पर ठीक है 130 आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, आप कस्टमाइज़ करवा ही सकते हो। और जो दूसरा बड़ा मेजर चेंज है उसके बारे में तो मैं आपको बताना भूल ही गया भाई। दूसरा जो मेजर चेंज है वो अब आपको इसके अंदर फुल्ली डिजिटली कंसोल देखने को मिलता है, इसके अंदर आपको सेम ही देखने को मिलता है पुराना वाला ही। अब ये डिपेंड करेगा कि किसको कौन सा पसंद है यार, ये वाला भी काफ़ी डिसेंट लगता था मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो। आप देख ही सकते हो गियर पोजिशन इंडिकेटर इसमें भी था, बट अब जो न्यू कंसोल आया है यार वो भी बहुत अच्छा है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख ही सकते हो, मैं आपको एक बार इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, यहाँ से अभी ऑफ है और ये हमने इग्निशन ऑन किया। इग्निशन ऑन करने के बाद भाई खुद ही देख लो यार, अब फुली डिजिटली इसके अंदर आपको मीटर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको गियर पोजिशन इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, एवरीथिंग सब कुछ देखने को मिलेगा। और जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर चेंज आया ना, वो अब आपको ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी यहाँ से शो करेगा इसके अंदर, इसके लिए यहाँ पर एक अलग से आपको स्विच देखने को मिल जाएगा जिससे पूरा कंट्रोल होने वाला है बेसिकली, ठीक है। और एक चुपके से यहाँ पर क्या चीज़ कर दी है, USB वाला चार्जिंग सॉकेट दे दिया है, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है कि कंपनी ने एटलीस्ट कुछ तो इनिशिएटिव लिया जो ये सारी चीज़ें चेंज हुई फाइनली। अब मैं आपको एक बार बैक की लुक जो है वो बाइक की एक बार चेक करा देता हूँ। बैक से बाइक आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है फाइनली,
लुक्स में कोई भी मेजर चेंज नहीं है पीछे से बिल्कुल सिमिलर दोनों बाइक देखने को मिलती है। टायर भी आपको सेम ही मिलेगा, बस टायर का जो है वो ग्रिप आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। इस वाले में आपको दूसरी ग्रिप मिलेगी, ये वाला आपका दूसरी ग्रिप में आ जाता है। अब जो सबसे बड़ी मेन चीज़ है वो हम बात करेंगे, वो है इसका प्राइस। अब जो इसका प्राइस देखने को मिलता है वो आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार फालतू देखने को मिल जाता है। पहले जो ये आपको देखने को मिलती थी वो 1,78,000 की ऑन रोड आती थी, बट अब जो इसका ऑन रोड प्राइस हो गया है अब आपको ये 1,86,000 रोड देखने को मिलती है इन गुरुग्राम। तो भाई 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बट ठीक है कोई बात नहीं, इतना देना बनता भी है यार, बिकॉज जो चेंज हुए ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कंपनी के लिए, और 6 हज़ार में आपको इतना बढ़िया सेटअप पूरा देखने को मिल रहा है तो फिर क्या ही दिक्कत है यार। डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो, मेरा अगर सजेशन लोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि नए मॉडल के लिए ही जाओ, ये बिल्कुल फ्रेश मॉडल है और लुक्स सच में बहुत इसके डिसेंट देखने को मिलेंगे आपको। फ्यूचरिस्टिक बाइक बन चुकी है, अब इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, छोटी मोटी तो कमी हमेशा किसी ना किसी बाइक में रहती है। सो फाइनली गाइज ये आपका ना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अब बन चुका है यार, 1,86,000 में आपको ऑन रोड देखने को मिल रही है, दिस इज़ वेरी बिग थिंग। एंड बस इतना ही था, आई होप यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, शेयर कर देना, तो शेयर कर देना और कमेंट भी डाल देना यार, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। होप फॉर द बेस्ट कमेंट गाइज, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, लव यू ऑल, बाय।